ही गांव में मंदिर प्रांगण के पास दो दिन से लापता बुजुर्ग का शव मिलने से शनिवार को सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर बालोतरा पुलिस उप अधीक्षक छुक सिंह सोड़ा मौके पर पहुंचे। शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में लाया गया। मृतक की शिनाख्त पैप सिंह पुत्र जोत सिंह निवासी मजल के रूप में हुई है। समदड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। समदड़ी कस्बे के मजल गांव में स्थित मंदिर के पास दो दिन से लापता बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर समदड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच प्रारंभ की। घटना की जानकारी मिलने पर बालोतरा पुलिस उप अधीक्षक छुक सिंह सोडा भी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। इसके बाद शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में लाया गया। मृतक की शिनाख्त प्रेम सिंह पुत्र जोत सिंह उम्र 60 वर्ष निवासी मजल के रूप में हुई है। जानकारी अनुसार मृतक अक्सर मंदिर में जाया करता था और वहीं पर रहता था। पिछले दो दिनों से मृतक घर नहीं लौटा तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए। शनिवार सुबह मृतक का शव मंदिर के पास ही मिला। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान के कारण प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस बारे में बालोतरा डिप्टी छुक सिंह सोडा का कहना है कि एंटीबायोटिक के कारण अक्सर मृत्यु के बाद ऐसे घाव शरीर पर हो जाते हैं। सुबह करीब 8:30 बजे आसपास पुलिस थाना समुद्री पर एक सूचना मिली थी कि पैप सिंह सनक जोत सिंह राजपूत करीब 55-60 साल की उम्र के जो मझल गांव के रहने वाले हैं, मझल गांव से करीब 2-2.5 किलोमीटर पहले जंगल में एक मंदिर पड़ता, वहां पर वो जनरली पूजा वगैरह भी करते थे, वहीं जाते रहते थे। शादीशुदा नहीं थे तो अब वो अपने मंदिर वजन में रहते थे। तो आज वो तीन दिन पहले घर से निकले थे, उसके बाद में पता नहीं चला, तब उनको रात को ये ढूंढते आए तो पता चला तो डेड बॉडी मिली उनकी। मैंने डेड बॉडी को देखा, घटनास्थल को भी देखा है। हम इसको पोस्टमार्टम वगैरह करवा करके कॉज ऑफ डेथ जो रिटर्न करेंगे। प्रथम दृष्टया जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है बॉडी पर पाई गई है, डिहाइड्रेशन जैसा कुछ लगा है। उस पर कोई जाहिर तौर पर ऐसी कोई इंजरीज वगैरह जो है इस तरह नहीं पाई, एक मामूली सी इंजरी जरूर पाई गई है। वो किस तरह से आई है ये अभी पोस्टमार्टम से क्लियर होगा। फिलहाल मौके देखने से और बॉडी देखने से ये कोई मर्डर जैसी स्थिति प्रतीत नहीं होती। चोटों के निशान नहीं है एक्चुअली। वो जो एंटीबायोटिक्स होती है उसको वो आदमी समझता है कि मतलब ये कोई चोटें हैं। वो क्या है कि जैसे डिहाइड्रेशन होने के बाद में बॉडी के अंदर जो चमड़ी है उसमें सिकुड़न आ जाता है, फिर जो चींटी वगैरह या जो भी कोई जीव आते हैं वो उसके ऊपर जो कोई भी घाव छोटे छोटे पैदा करते हैं तो वो दिखते ज़्यादा है, विजिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है कमी सूखने से, डिहाइड्रेशन की वजह से। डॉक्टर से भी डिस्कस हुआ था, कुछ इस तरह की बात है। बाकी ऐसी कोई चोट नहीं है जो सफिशेंट टू कॉज ऑफ डेथ ऐसा है। मजलगांव में बुजुर्ग की मौत को लेकर अभी हत्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में मौत के कारणों का खुलासा होना बाकी है। मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। वहीं दूसरी ओर मजलगांव में चर्चाओं का दौर गर्म है। परिजनों ने भी मृतक की हत्या की आशंका जताई है।